मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 3 एंड वेलकम टू न्यू सेशन। हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। यह आप लोग की इंग्लिश की बुक है, क्लास 3 की इंग्लिश की बुक, टेक्स्ट बुक। आज हमारा पहला लेसन है, पहला पीरियड है हमारा, लेक्चर नंबर 1 है हमारा इंग्लिश का। इस बुक में हम स्टोरीज पढ़ेंगे जो मोरल फुल स्टोरीज होंगी। इसके अलावा हम इसमें ग्रामर पढ़ेंगे, सेंटेंस मेकिंग पढ़ेंगे, राइटिंग पढ़ेंगे, स्पीक एंड लिसन के बारे में बहुत सारे लेसन इसमें हम रीड करेंगे। आप लोग की इस बुक में टोटल 19 यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में आगे लेसन्स हैं। चलिए बच्चों, आप हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन यूनिट 1 लेसन 1 से। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 2। ओके, नाउ लुक एट बोर्ड। टुडे इज ट्यूसडे 27 अप्रैल। दिस इज ग्रेड 3 एंड लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट इज इंग्लिश। पेज नंबर 2 एंड 3, राइट डेट एंड सी वर्क ऑन पेज नंबर 2 एंड 3। यूनिट 1 मीट द फैमिली। हमारा यूनिट 1 हमारी बुक में पहला यूनिट मीट द फैमिली है। जैसे कि बच्चों आप लोग को पता है, फैमिली ख़ानदान को कहते हैं और मीट मिलने को कहते हैं। तो इस यूनिट में हम फिज़ा की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि वो आपस में कैसे मिलते हैं और उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिश्ता है। ख़ानदान में, जैसे कि बच्चों आप सबका ख़ानदान है, आप लोग की सबकी अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, जिसमें हमारे दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स होते हैं, हमारे मामा बाबा, हमारे बहन भाई, हमारे कज़न्स, हमारे आंटी और अंकल्स वगैरह हमारे होते हैं। तो इसी तरह ये फिज़ा की फैमिली के बारे में हमारे पास एक छोटी सी इनकी इंट्रोडक्शन है। तो मीट द फैमिली से, यूनिट की नेम से ही पता चल जाता है, पता चल रहा है हमें कि हम इसमें फैमिली के बारे में रीड करेंगे। लेसन 1 है हमारे पास इसमें लिसन एंड स्पीक का। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज ए में एक छोटी सी रीडिंग दी गई है, उस रीडिंग को हम रीड करेंगे और उसके बारे में फिर हमसे एक क्वेश्चन किया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये सब मैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताती जाऊँगी। पहले आप लोग बोर्ड को समझ लें, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज सी आता है लिसन एंड राइट। ये भी हम इसमें हमारे पास एक फैमिली ट्री बनी हुई है और उस फैमिली ट्री में बच्चे हैं, उन बच्चों के हमने एजेस ढूंढ के लिखने हैं और वो एजेस इनके कहाँ अवेलेबल है ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ। आप सबके सामने बच्चों आप लोग की बुक्स खुली हुई हैं, तो पेज नंबर 128 में लिसन एंड एक्सरसाइज सी लिसन एंड राइट का हमारे पास आंसर है। ये मैं 1 by 1 अभी आप लोग को करवाती हूँ। ओके, उसके बाद कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मिस्टर मिसेस सी साइड ब्रिज एंड कॉलीग। ये सारे वर्ड हमारे पास लेसन नंबर 1 में हैं। तो आए हम अपने रीडिंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स समझाती हूँ। ओके, ये बच्चों हम अपनी बुक पे आ गए हैं, यूनिट 1 मीट द फैमिली में। एक्सरसाइज ए पे आ जाएं, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर आर मिस्टर एंड मिसेस बर्की गोइंग नेक्स्ट वीकेंड। ये एक स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस बर्की के बारे में और ये लोग फैमिली डिनर पे बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं और ये लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं। स्टार्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है कि मिस्टर एंड मिसेस बर्की कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। इसका आंसर हम इस स्टोरी को पढ़ के देंगे। सबसे पहले बच्चों इधर मिस्टर एम आर और मिसेस एम आर एस का वर्ड यूज़ हुआ है। मिस्टर बच्चों मेल के साथ यूज़ होता है, चाहे वो मेल मैरिड है, शादीशुदा है या फिर गैर शादीशुदा। और मिसेस जो है वो हमेशा शादीशुदा औरत के साथ, फीमेल के साथ यूज़ होता है। ओके, तो ये मिस्टर एंड मिसेस बर्की ये मियाँ बीवी हैं, तो मिस्टर हस्बैंड के लिए और मिसेस जो है वो वाइफ के लिए यूज़ हुआ है इधर।
इसकी समझ आ गई बच्चों आप लोग को। अब आते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। इट इज़ सपर टाइम एट द बर्कीज हाउस इन कराची। रात के खाने का टाइम है। बर्कीज हाउस मतलब हर एक फैमिली का अपना सर नेम होता है, जैसे कि अवान, कुरैशी, कासमी, इस तरह के फैमिली नेम्स होते हैं। तो इनका फैमिली नेम क्या है? बर्कीज। ओके, मिस्टर बर्की इज़ एन इंजीनियर। मिस्टर बर्की क्या हैं? वो एक इंजीनियर हैं। मिसेस बर्की इज़ एन आर्टिस्ट। मिसेस बर्की आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट जो पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स, जो स्केचेस बनाते हैं उनको आर्टिस्ट कहते हैं। ओके, इनके तीन बच्चे हैं। एक है सायरा, इमरान और नादिया। सायरा और इमरान जो हैं ये ट्विंस हैं, और नादिया जो है वो ट्विंस नहीं हैं। ओके, ये एक छोटा सा डायलॉग है इन फैमिलीज की। ये फैमिली बैठी हुई है, मिस्टर बर्की, मिसेस बर्की और ये इनके बच्चे, ये नादिया है, ये सायरा है और ये हमारे पास इमरान है। ओके, सबसे पहले सायरा उसकी बेटी, उसकी डॉटर उससे सवाल करती है, आर यू गोइंग टू टेक अस टू द सी साइड नेक्स्ट वीकेंड। खाने के टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और ये अपने बाबा से पूछ रहे हैं, अपनी मम्मा से या बाबा से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या आप हमें इस वीकेंड साहिल समंदर ले चलेंगे। वीकेंड का मतलब है हफ्ते का दिन, जो हमारी छुट्टी के दिन आते हैं तो वो हमारे पास वीकेंड होता है। मिस्टर बर्की, शॉर्ट फॉर्म में बर्की को बी लिखा है इन्होंने, मिस्टर बर्की मतलब सायरा के बाबा आंसर करते हैं, नो आई कांट, आई एम गोइंग टू नेपाल, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज इन द हिमालयाज डियर। कहता है कि नहीं, मैं नेपाल जाऊंगा और हिमालयाज में एक पुल बनाऊंगा। ब्रिज पुल को कहते हैं। बिल्ड का मतलब है बनाना, तामीर करना। नो आई कांट, मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे नेपाल जाना है और वहाँ मैंने ब्रिज बनानी है। सायरा, आर यू, सायरा दोबारा पूछती है अपने बाबा से, आर यू गोइंग अलोन, क्या आप अकेले जाएंगे। मिस्टर बर्की, नो आई एम गोइंग विद अ कोलीग फ्रॉम वर्क। नहीं, मैं काम, मेरे काम में जो मेरे साथी हैं मैं उनके साथ जाऊंगा। कोलीग साथी को कहते हैं। मिस्टर बर्की फिर दोबारा कहते हैं, द थ्री ऑफ यू आर गोइंग टू स्टे विद दादी एंड दादा फॉर टू नाइट्स। मिस्टर बर्की कहते हैं कि तुम तीनों जो हो वो दो रातों के लिए अपने दादा और दादी के पास रहोगे। इमरान, अब उनका बेटा बोलता है, वाई, क्यों, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं दो दिनों के लिए। मिस्टर बर्की कहते हैं, आई एम गोइंग टू, अब इमरान सवाल कर रहे हैं ना कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप अपनी मम्मा का पूछता है। तो मिसेस बर्की कहती हैं, आई एम गोइंग टू पेंट अ फैमिली पिक्चर फॉर अ फ्रेंड For a friend who's got there, who's got three children, it will take up the whole weekend. Mr. Barki जब अपनी सायरा का जवाब दे देती है उसके बाद Mrs. Barki अपने बच्चों से कहती है कि आप तीनों अपने दादा दादी के पास रहोगे। इमरान कहता है क्यों, तो Mrs. Barki कहती हैं क्योंकि मैं एक फैमिली पिक्चर पेंट करने जा रही हूँ और जहाँ पे उनके तीन बच्चे हैं और इसमें बहुत सारा मतलब पूरा हफ्ता लगेगा, पूरा वीकेंड, मतलब वीकेंड में हमारी टू डेज की छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे, तो कहती है कि उसमें पूरा हफ्ता लगेगा, इसलिए टू डेज आप लोग अपने दादा दादी के पास रहोगे। ओके, नादिया, अब उनकी तीसरी बेटी बोलती है, नादिया कहती है कि कांट यू कम होम इन द इवनिंग, क्या आप शाम में भी घर नहीं आ सकती, अपनी मम्मा को कहती है। मिसेस बर्की कहती है, नो, दे लिव राइट ऑन द अदर साइड ऑफ द सिटी, वो शहर के दूसरे कोने में रहते हैं, सो आई एम गोइंग टू स्टे विद दैम, तो इसलिए मुझे वहाँ पर रहना होगा क्योंकि वो हमारे घर से काफ़ी दूर रहते हैं। ओके, अब आते हैं अपने आंसर की तरफ कि ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर करते हैं। वेयर आर मिस्टर एंड मिसेस बर्की गोइंग नेक्स्ट वीकेंड। इसका आंसर ये है कि मिस्टर बर्की जो हैं वो नेपाल जा रहे थे ब्रिज बनाने, और मिसेस बर्की जो हैं वो एक पेंट फैमिली पिक्चर पेंट करने जा रही थी किसी शहर। ओके, तो ये हो गया हमारा लेसन यहाँ पे, एक्सरसाइज ख़त्म।
एक्सरसाइज बी मैंने बोर्ड पे भी मेंशन नहीं किया था और यहाँ पे भी मैंने इस पर क्रॉस लगाया है, इसको ओमिट कर दें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेसन एक्सरसाइज सी पे आ जाएं, लिसन एंड राइट द चिल्ड्रंस एजेस नेक्स्ट टू देयर नेम्स। ये मैंने आप लोग को बोर्ड में बताया था कि पेज नंबर 128 में हमारे पास है। इसमें पूरा एक डायलॉग है, दादा और दादी। देखें ये दादा, फैमिली हमेशा दादा दादी से स्टार्ट होता है ना, तो दादा हैं, दादी हैं या नाना हैं, नानी हैं, ऐसे इधर से इस फैमिली हमारी स्टार्ट होती है। उसके बाद दादा दादी के बच्चे हैं मिस्टर डानी, मिस्टर डानी जो हैं वो दादा के बेटे हैं और मिस्टर बर्की जो हैं वो दादा के दामाद हैं, दादा दादी के दामाद हैं, और मिसेस डानी जो हैं वो दादा दादी की बहू हैं, मतलब मिस्टर डानी के हस्बैंड हैं, और मिसेस बर्की जो हैं वो दादा दादी की बेटी हैं। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को मेरी बात की समझ आ रही होगी। ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोग के लिए लिख लिया है, दादा दादी के दो बच्चे हैं, एक है मिसेस दानी है, अपनी बेटी उन्होंने मिस्टर दानी को दिया हुआ है, और जो उनका बेटा है मिस्टर बर्की, उनकी बहू है मिसेस बर्की, और ये उनके बच्चे हैं सायरा इमरान, ट्विंस हैं, और नादिया, इनके तीन बच्चे हैं, मिस्टर और मिसेस दानी के दो बच्चे हैं मरियम एंड फाहद। ओके, अब चलते हैं पेज नंबर 128 पे, इसको फाइंड आउट करने की, ये जो हम मैंने लिखा है ये कैसे मैंने लिखा, वहाँ से देख के लिखेंगे। दादा और दादी की बातें हैं, उन बातों से पता चल जाएगा कि ये बच्चे कितने साल के हैं। 128 पेज पे आ जाएं, ये है पेज नंबर 128 और ये है हमारा यूनिट 1 लेसन 1 एक्सरसाइज सी। दादा एंड दादी आर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। दादा और दादी घर में अकेले हैं, मतलब एक अलग घर में रहते हैं, और ये दोनों बात कर रहे थे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने नवासों के बारे में। ग्रैंड चिल्ड्रन नवासों को कहते हैं। दादा सबसे पहले दादा बोलते हैं, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू अराइव ऑन सैटरडे। दादा कहते हैं, क्या बच्चे सैटरडे को हफ्ते के दिन आएंगे। दादी कहती हैं, नो दे आर गोइंग टू कम हेयर ऑन फ्राइडे। नहीं, वो एक दिन पहले आएंगे, मतलब सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे है, फ्राइडे को आएंगे दादा। आई कैन नेवर रिमेंबर देयर एजेस। सायरा एंड इमरान आर 7, आर नॉट दे। कहता है कि दादा मुझे बच्चों के उम्र याद नहीं, उम्र नहीं पता कि कितनी है, सायरा एजेस नहीं पता। सायरा और इमरान 7 साल के हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। दादी के तीन, नो दे आर 8 नाउ। तो सायरा और इमरान जो दोनों ट्विंस हैं, तो वो हमने पीछे 8 लिख लिया। मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए बच्चों, सायरा इमरान का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सायरा का हमने लिख लिया 8। ओके, अब जाते हैं दोबारा पेज 128 पे। फिर दादा कहते हैं, सो नादिया इज 6। सायरा इमरान और नादिया जो हैं मिस्टर एंड मिसेस बर्की के बच्चे हैं, तो सायरा और इमरान का तो पता चल गया। अब आती है नादिया की बारी। दादा कहते हैं, नादिया 6 साल की है, इज दैट राइट, क्या मैं सही कह रहा हूँ। दादी कहती है, डैट्स राइट, जी हाँ वो 6 सालों की है। तो पीछे जाके देखते हैं कि हमने नादिया में 6 लिखा है कि नहीं। तो देखिए हमने नादिया में 6 लिख लिया, नादिया 6 सालों की है। फिर दादा कहता है, एंड शी इज़ गोइंग टू बी 7 इन नवंबर, और वो 7 साल की हो जाएगी नवंबर के महीने में। दादी कहती है, वेल डन दादा। नाउ फाहद इज़ द सेम एज एज सायरा एंड इमरान। अब दादा कहते हैं कि क्या सायरा और इमरान की एज जितनी है उतनी फाहद की भी है। फाहद जो है वो मिस्टर दानी और मिसेस दानी की दामाद और बहू हैं, नहीं सॉरी बेटी हैं, दामाद और बेटी हैं उनका बेटा। ओके दादी, दैट्स राइट, दे ऑल 8। दादी कहती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फाहद भी जो है वो 8 साल का हो जाएगा। अभी मैं पीछे बताती हूँ कि हमने फाहद के साथ 8 लिखा है कि नहीं। दादा, एंड मरियम इज़ 9। मिस्टर दानी एंड मिस्टर दानी और मिसेस दानी के दो बच्चे हैं, मरियम एंड फाहद। फाहद 8 सालों का है। अब दादा कहते हैं कि मरियम 9 सालों की है आई थिंक, मेरे ख्याल में। दादी कहती है, नो शी हैड हर बर्थडे लास्ट मंथ, उसकी बर्थडे थी पिछले महीने, हर 10th बर्थडे, उसकी 10वीं सालगिरह थी। दादा, इट्स नो इट्स
नो गुड, ये अच्छी बात नहीं है। आई रिमेंबर देयर एजेस, कि मुझे उनकी एजेस याद नहीं। देन दे हैव अनदर बर्थडे एंड आई हैव टू रिमेंबर देयर न्यू एजेस। जब उनकी दोबारा बर्थडेज आएंगी तो मैं उन मुझे उनके सालगिरह याद रहेंगी, दादा आखिर में ये बोलते हैं। ओके, अगेन पेज नंबर 2 पे आ जाएं। ये देखें, फ़हद के लिए तो हमने 8 लिख लिया क्योंकि वो सायरा और इमरान जितना है, और मरियम जो है वो 10 साल की है। एक्सरसाइज डी ओमिट है, इसको क्रॉस कर दें। अब आ जाएं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 हमारे पास ये है, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 हम पूरा जो है ये लेसन नंबर 1 से ही करेंगे। ये जो हमने सारा पढ़ लिया, अब इसी में से इसको फिल करेंगे। ये जब हमने पढ़ लिया तो इसको करना बहुत ही आसान है। ओके, लेसन 2 है हमारे पास, फैमिली मेंबर्स। एक्सरसाइज ए में कहते हैं से दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को बोलें। सर्कल द टू वर्ड्स विद डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। कहते हैं कि इन लफ्ज़ों को बोलें या पढ़ें और फिर सर्कल करें उन दो वर्ड्स को जिनको हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोनाउंसिएशन से प्रोनाउंस करते हैं। ओके, लेटर ओ के लिए, सिर्फ ओ के लिए हमने टू डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन देखना है, जैसे कि ब्रदर तो ब्रदर और मदर तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की आवाज़ सेम है। सन हनी तो ये दोनों भी नहीं हो सकते, तो हनी इसको सर्कल करेंगे क्योंकि इससे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ओ की है, और नथिंग सेम आवाज़ है। देखिए फिर है मंडे, ए की आवाज़, मंडे में हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इस लेटर की है। ओके, रॉकेट, फिर है मोंकी। देखिए मोंकी में ओ की आवाज प्रोनाउंसिएशन दूसरी तरह है, और डोंकी में अलग। एंड मनी, डोंकी ओ की आवाज डिफरेंट, मनी ओ की आवाज डिफरेंट। तो ये हमने कर लिया डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ओ की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से। ओके, नाउ लुक एट एक्सरसाइज बी, लुक एट द फैमिली ट्री इन लेसन 1। कहते हैं इस फैमिली ट्री को देखें। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये सारे वर्ड जो बॉक्स में यूज हुआ है इसको यहाँ पे लिखना है हमने। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिसेस बर्की इज मिसेस दानीस। सिस्टर, ये ऑलरेडी डन है। ओके, मिसेस बर्की और मिसेस दानी का आपस में क्या रिश्ता है, दोनों बहनें हैं। ओके, मिसेस बर्की इज फहाद्स, मिस्टर बर्की इज फहाद्स। फहाद जो है मिस्टर एंड मिसेस दानी का बेटा है, तो मिस्टर बर्की इज फहाद, मिस्टर बर्की फहाद के क्या लगते हैं, अंकल, तो ये है अंकल। मिसेस दानी इज इमरान्स। अब इमरान जो है वो मिसेस बर्की और मिस्टर बर्की का बेटा है, तो मिसेस दानी उनकी क्या लगी, आंट। उसके बाद सायरा इज दादी। सायरा दादी की क्या है, ग्रैंड नवासी है, तो हम लिखेंगे ग्रैंड डॉटर। ये ग्रैंड डॉटर, नवासी को ग्रैंड डॉटर कहते हैं। ओके, फिर है मिसेस बर्की इज दादास डैश। मिसेस बर्की दादा के क्या लगते हैं, क्या लगती हैं, डॉटर लगती हैं। बहू भी तो डॉटर होती है ना बच्चों, तो हमने डॉटर लिख लिया। ओके, ये इससे यहाँ से। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज सी,
आंसर दीज पजल्स, ये हमारे पास पजल्स हैं। ओके, ये हमारे पास पजल्स हैं। आई एम, मतलब हमें एक बात बताई जाती है और फिर हम उसको सोचते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। जैसे इधर नंबर वन डन है हमारे पास, नंबर टू पे आ जाएं। आई एम इमरान्स ट्विन सिस्टर, कहता है कि मैं इमरान की ट्विंस बहन हूँ। तो माय नेम इज़ डैश, तो मेरा नाम क्या है? सायरा। इमरान की ट्विन सिस्टर कौन है? सायरा है। नंबर थ्री है आई एम फाहद सिस्टर्स ग्रैंड फादर, मैं फाहद की बहन, मतलब फाहद की बहन कौन? मरियम। मरियम का ग्रैंड फादर हूँ, ग्रैंड फादर दादा, ये दादी मैंने आप लोग को बताया था ना। तो माय नेम इज़ ग्रैंडपा, तो हम लिख लेंगे, हम ग्रैंडपा नहीं लिखेंगे, हमारी बुक में दादा का वर्ड यूज हुआ है तो हम दादा लिखेंगे। ओके, उसके बाद है आई एम नादियास अंकल, मैं नादिया का अंकल हूँ। माय नेम इज, नादिया का अंकल कौन है? मिस्टर दानी, तो हम लिखेंगे, देखिए हम फैमिली ट्री पे आते हैं, ये नादिया है और इसका अंकल कौन है? मिस्टर दानी, तो हम लिखेंगे मिस्टर धानी, मिस्टर दानी हमने लिख लिया इधर। उसके बाद है नंबर फाइव, आई एम मिसेस दानी सिस्टर, मैं मिसेस दानी की बहन हूँ, बहन सिस्टर सन, बहन का बेटा हूँ, मैं मिसेस दानी की बहन का बेटा हूँ। माय नेम इज, ये है मिसेस दानी और ये है मिसेस दानी की बहन, तो मिसेस दानी की बहन का बेटा कौन है? इमरान, तो हम लिखेंगे इधर इमरान। इधर हमने लिख लिया इमरान। ओके, एक्सरसाइज डी हमारे पास ओमिट है, एक्सरसाइज ई भी ओमिट है। ओके ओके बच्चों, यहाँ पे हमारी ये दोनों पेजेस कंप्लीट होती हैं। आप लोगों का होमवर्क जो है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। आपने इन दोनों पेजेस की एक्सरसाइजेस को दोबारा से रिवाइज करना है और मेमोराइज करना है, और एक्सरसाइज ए की रीडिंग करनी है। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।